अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंच चुके हैं। आपको पूरी जानकारी दे दें, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, वहीं रामगढ़ी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ। वही आपको यह भी बता दें कि सीएम साय ने पहले पंचशील में प्रेस वार्ता की, वही प्रेस वार्ता के बाद अयोध्या धाम रवाना हुआ मंत्रिमंडल। वही आपको ये भी बता दें कि शाम 5 बजे तक अयोध्या धाम में ही रहेंगे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंच चुके हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पधार चुके हैं और वही पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। ये भी बता दें कि अयोध्या धाम में रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की, जो कि पंचशील में की गई, और वही प्रेस वार्ता के बाद अयोध्या धाम रवाना हो चुका है मंत्रिमंडल। वही अभी बता दें कि शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम में रहेंगे, फिर वापस रायपुर रवाना होंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। अरे यार, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है, और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं, और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। किस तरह से विपक्ष लेकर हमेशा अयोध्या को लेकर नाम मंत्र हो रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? तमाम सवाल अयोध्या को लेकर। अब देखिए, विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। हाँ, तो हम लोग मामा गांव से आए हैं, और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए, और हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आज हम लोग सबरी का मतलब बेर भी लाए हैं, मतलब यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए वहाँ का जल भी लाए हैं, वहाँ का चावल भी लाए हैं, और कई तरह के प्रसाद लाए हैं। भगवान राम का ननिहाल है, मामा प्रदेश से हम सब लोग आए हैं, हमारा पूरा मंत्रिमंडल आया हुआ है। आज भगवान राम का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने, और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, ऐसा उनसे प्रार्थना करने आए। लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल का ज्यादा समय, करीब 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, और वही माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ से शिवरी नारायण से बेर भी प्रसाद के रूप में लाए हैं, वहाँ का जल भी लाए हैं, छत्तीसगढ़ से सुगंधित चावल भी लाए हैं, और चिरौंजी भी लाए हैं, लड्डू लाए हैं, होली का लड्डू, और कई तरह उषा का वस्त्र लाए हैं उनके परिधान के लिए, इस तरह से तैयारी करके आए हैं। देखिए, इस अवसर पर हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी अयोध्या भगवान राम का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, जिसने बात किया जाए, तो हमने आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रेस वार्ता, जहां उन्होंने कहा कि हम रामलला के ननिहाल से आए हैं और हम सबरी के बेर जैसे कई प्रसाद भी लाए हैं। बता दें, अयोध्या से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल, जिनमें अरुण साव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, टंकराम वर्मा जैसे मंत्री मौजूद है, वहीं पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और अयोध्या धाम में रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे सीएम।
बता दें कि दर्शन से पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की और वहीं प्रेस वार्ता के बाद वे दर्शन करेंगे और शाम 5 बजे तक अयोध्या में रहेंगे और फिर वापस रायपुर रवाना।